बसमिल्लर अल्लाक वरहल वर्कू हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड फर्स्ट रिसाइट दुआ रब्बी रबीन ओ माई लॉर्ड इनक्रीज माई नॉलेज बेटा ओपन योर बुक पेज नंबर थर्टी एट वी आर ऑन पेज नंबर थर्टी एट एंड क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द एच सी एफ़ ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स ये हमें बेटे पेयर्स दिए हुए नंबर्स के इनका हमें एच सी एफ़ मालूम करना है एस क्या होता है एस सी एफ़ इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम कोई से दो नंबर्स के फैक्टर्स लिखें और उसमें जो फैक्टर्स कॉमन हों तो वो उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर ए थर्टी टू एंड ट्वेंटी फोर एससीएफ सी एफ बेटे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से मालूम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड याद है ना बेटे आपको कि हम नंबर्स लिख लेते हैं और लीस्ट प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं दिस नंबर इज़ थर्टी टू एंड में क्या आ रहा है टू इट मीन्स दिस इज एन इवन नंबर इवन नंबर है तो हम किससे डिवाइड शुरू करेंगे टू से टू वन इज़ टू यहाँ पर वन बचा यहाँ दे दिया दिस इज़ ट्वेल्फ टू सिक्स आर ट्वेल्व फिर टू का टेबल पढ़ेंगे टू एट जार सिक्सटीन अगेन टू टू फोर जार एट अगेन टू 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 जार फोर अगेन टू टू वन जार टू जब तक लास्ट में वन आ जाता है हम डिवाइड करते रहते हैं अब यहाँ पर आइए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर दिस इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर सो वी स्टार्ट विथ टू टू वन सिक्स टू 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 जार फोर अगेन टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व अगेन टू टू थ्री ज़ार सिक्स अगेन अब यहाँ पर क्या आएगा थ्री थ्री वन जार थ्री ठीक है अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं ठीक है बेटे थर्टी टू का हमने लिख लिया ये सारे फैक्टर्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू और ट्वेंटी फोर के हमने ये सारे फैक्टर्स लिखे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री नाव वी हैव टू चेक विच आर द कॉमन फैक्टर्स टू एंड टू आर कॉमन देन दिस टू एंड दिस टू आर कॉमन देन अगेन टू एंड टू आर कॉमन अब और कुछ कॉमन है नथिंग तो हम क्या लिखेंगे इसमें नाउ वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स टू इन टू टू इंटू टू और हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे टू टू जार फोर फोर टू ज़ार एट तो थर्टी टू और ट्वेंटी फोर का एस क्या आया इट्स एट ठीक है बेटे अब आपको इसका पार्ट नंबर बी भी करना है अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स यहाँ आपको तीन तीन नंबर दिए हुए और उनके हम मालूम करेंगे हम पार्ट बी करके देख लेते हैं फाइव ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी फाइव ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से हम मालूम करेंगे बेटे सो वी हैव रिटन फाइव ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी फाइव फाइव का टेबल पढ़ेंगे तो फाइव आ जाएगा क्योंकि फ़ाइव तो है ही प्राइम नंबर फिर ट्वेंटी फ़ाइव में भी लास्ट में फाइव आ रहा है तो वे विल स्टार्ट फाइव टेबल फ़ाइव फाइव आर ट्वेंटी फ़ाइव दैन फाइव वन इज़ फ़ाइव थर्टी फाइव में भी फ़ाइव का टेबल पढ़ेंगे फाइव सेवन और थर्टी फाइव सेवन वन इज़ सेवन ठीक है अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं फ़ाइव का फैक्टर फाइव ही आया है ट्वेंटी फाइव फ़ाइव इंटू फाइव थर्टी फाइव फाइव इंटू सेवन अब इसमें कॉमन क्या है बेटे जी इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है कॉमन फाइव तो हम यहाँ लिख देते हैं एच सी एफ इज इक्वल टू फाइव ओके इसी तरह से बेटे आपको इसका पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर ई करना है ओके नाउ कम टू पेज नंबर थर्टी नाइन ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन देयर इज क्वेश्चन नंबर एट यूजिंग द डिवीजन मैथड फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इसका पार्ट ए देख लेते हैं ट्वेल्व एंड ट्वेंटी ये हमें डिवीजन मैथड से निकालना है एच सी एफ़ जी बेटे ट्वेल्व एंड ट्वेंटी का एस मालूम करना है लेकिन डिवीजन मेथड से डिवीजन मेथड में क्या होता है डिवीजन मेथड में जो बड़ा नंबर होता है उसे हम डिविडेंट बनाते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे हम डिवाइजर बनाते हैं ठीक है और फिर हम इसका टेबल पढ़ते हैं ट्वेल्व वन ट्वेल्व ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व के आ गया हमारे पास एट अच्छा अब जो ये रिमाइंडर आया है बेटे उस एट को हम बना लेंगे डि डिविज़र और जो यहाँ डिवाइड डिविज़र था उसको हम यहाँ बना लेंगे डिवाइडेंड जो रिमाइंडर आया था बेटे एट उसे उसी का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर जो बाहर था उसको अंदर रखिए अब एट का टेबल पढ़िए ट्वेल्थ एट वनजा एट एट टू जो सिक्सटीन तो एट वनजा एट, वन एट, एट, वन एट अगेन ट्वेल्थ में से एट माइनस का क्या बचा फ़ोर अब इस फोर को हम बना लेंगे डिविज़र और अंदर क्या ले जाएंगे हम ऐट ठीक है फिर फोर टू जट यहाँ पर अब सब क्रॉस हो गया तो यहाँ पर जो लास्ट डिवीज़र आया है बेटे दैट इज़ फोर ये ट्वेल्फ एंड ट्वेंटी का एस हो गया ओके okay? यहाँ लिख देंगे एच सी एफ ऑफ ट्वेल्फ एंड ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर ठीक है समझ में आया बेटे दो नंबर्स होते हैं छोटा नंबर बाहर रखते हैं बड़े नंबर को अंदर रखते हैं डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है फिर उसको हम डिविजर बना लेते हैं और जो बाहर यहाँ पर डिवीज़र था उसको डिवाइडेंट बना देते हैं फिर हम करते हैं फिर जो रिमाइंडर आता है उसको हम डिविजर बना लेते हैं और इस वाले नंबर को हम डिवाइडेंट बना लेते हैं ये प्रोसेस हम करते चले जाते हैं जब तक के सारा कैंसल आउट नहीं हो जाता फिर लास्ट में जो यहाँ पर डिवीज़र होता है वही हमारा एच सी एफ हो जाता है ओके इसका पार्ट बी भी, भी करना है बेटे थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर ये भी करके देखते हैं थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर में बड़ा नंबर बेटे थर्टी सिक्स है तो उसे हमने डिवाइडेंट बना दिया और ट्वेंटी फोर को हमने डिविजर बना दिया अब ट्वेंटी फोर वनजा ट्वेंटी फोर इसमें से माइनस कर दीजिए सिक्स माइनस फोर टू थ्री माइनस टू अब ये ट्वेल्थ क्या बन गया ये हमारा बन गया डिवाइड डिविजर और ये ट्वेंटी फोर हमारा बन गया डिवाइडेंट अब ट्वेल्थ का टेबल पढ़िए ट्वेल्थ टूजा ट्वेंटी फ़ोर और ये हो गया कैंसिल आउट अब लास्ट हमारा डिवीज़र क्या आ रहा है ट्वेल्थ तो थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फ़ोर का एस क्या हो गया बेटे ट्वेल्थ एस सी एफ़ ऑफ थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर इज़ इक्वल टू ट्वेल्थ ठीक है बेटे ठीक है बेटे इसका आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी करना है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एस सी एफ़ कॉन्सेप्ट जजाकल्ला खैरन कसरा वरह वक्